वेरी वार्म वेलकम टू एवरग्रीन मॉर्निंग चैनल। सो गाइस, टुडे इज महाशिवरात्रि एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी महाशिवरात्रि। टुडे फाइनली आई गॉट माय जीपी अपॉइंटमेंट। तो मैं आज अपने डॉक्टर के पास विजिट करने जा रही हूँ। उसकी क्या रीज़न है वो मैं आपको बाद में शेयर करूँगी, बिकॉज फाइनली वी आर गेटिंग लेट, तो हमारी बस आने वाली है। कैच यू लेटर, बाय। बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो गया, बहुत टायर्ड हो चुके हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट के बाद मुझे किसी काम से कहीं और जाना पड़ा और हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। और हितिका भी किंडर गार्डन में ही हैं। सो अब हम लोग जा रहे हैं डायरेक्टली हितिका को पिकअप करने के लिए, उसके बाद घर, उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने घर पर। बाय। Go fast, it's too cold outside. My God, that's big one, Hitika. Hey,
Now you are happy? Yes. That is food color. Now it's turned orange. It's white and orange. Yeah, it's white and orange. Turn it. And it's white. It's going to be orange. Now take your medicine. No, it's one. One in morning and one in evening. So you have to take only one piece. Which flavor is this? Pink. No, it's which flavor? Strawberry, orange, mango, which flavor? Strawberry. Strawberry flavor, okay. You like it? So finally I am back. बहुत ही बिजी शेड्यूल मैं नहीं कहूँगी, हेक्टिक शेड्यूल इसे कहूँगी, बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ। हितिका को वापस लेके आना, अपने लिए हम लोगों ने लंच फटाफट बनाया, हितिका के लिए लंच बनाया, मीन्स काफ़ी थक गए हैं। एंड अब बीच बीच में देख रहे हैं कि हितिका की बदमाशी, उसे पानी के साथ खेलना बहुत ही पसंद है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है शायद सब बच्चे को ही वाटर के साथ खेलना पसंद होता है, एंड अगर उसे मैं छोड़ दूँ तो वो दिन भर वो पानी के साथ और स्नो के साथ उसे वो खेलती रह जाएगी। बट उसे कभी कभी रात में कफी होने लग जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ी अवॉइड करती हूँ। एंड अब मैं बात करती हूँ आपसे कि मुझे फाइनली अपॉइंटमेंट मिली, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। प्रॉब्लम ये हुई थी कि अचानक, कभी कभी ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि अचानक कभी कभी हेयर फॉल स्टार्ट हो जाते हैं। यूजुअली हम लोग क्या सोचते हैं कि शायद हम लोग पानी चेंज के कारण भी हो सकता है कि हेयर फॉल होते हैं, मतलब काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। कभी हम लोग होम मेड रेमेडीज ट्राई करते हैं, कभी ये ऑयल बनाना, कभी वो शैम्पू यूज़ करना, कभी वो कंडीशनर यूज़ करना, बस काफ़ी चीज़ें हम लोग किया करते हैं। बट जनरली कुछ चीज़ें वैसी होती है जो हम अवॉइड कर देते हैं एंड मेनली फोकस हम किसी और चीज़ पे करने लग जाते हैं। सेम चीज़ मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी फोकस बस होम मेड ऑयल बनाना या फिर अपने बालों पर यूज़ करती थी, बट मुझे वैसे रिजल्ट नहीं मिलते थे। तो एक दिन ऐसे ही मैंने अपने हस्बैंड रंजीत से मैंने बस बात किया कि यार चलो अपॉइंटमेंट लेते हैं और देखते हैं क्यों वैसे मेरी हेयर फॉल क्यों हो रही है, क्या रीज़न इसकी है। तो जब मैंने कॉल करके मैंने अपॉइंटमेंट लेना चाहा, तो उसने मुझे अपॉइंटमेंट देने से डायरेक्टली मना किया। फर्स्ट स्टेप मुझे उसने ये बताया कि सबसे पहले आप जो अपनी ब्लड टेस्ट कराओ। ब्लड टेस्ट इन द सेंस, इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी के कारण भी हेयर फॉल इज द वन ऑफ द मेन रीज़न होती है। लाइक अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, किसी और भी विटामिन्स की कमी। सो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि पर्सनली हमने अपने मैं अपने जीपी से मैंने अपॉइंटमेंट लिया एंड उन्होंने मुझे मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट फेब लास्ट में मैं अपॉइंटमेंट मुझे मिला यहाँ पे। एंड उसके बाद उन्होंने कहा था कि वन वीक के बाद आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। जैसा आप देख रहे हो कि मेरी ब्लड टेस्ट भी हुई थी एंड उसकी रिपोर्ट ऑलमोस्ट डॉक्टर ने कहा था कि वन वीक के बाद आ जाएगी, बट 10 डेज हो गए थे, मैं वेट कर रही थी, अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आई। बट फाइनली वो मुझे रिपोर्ट्स कल मिली एंड उसमें काफ़ी रेड मार्क भी आप देख रहे हो, बहुत चीज़ की मुझे कमी निकली है, स्पेशली विटामिन डी की तो यहाँ पे बहुत ही कमी होती है। डॉक्टर ने भी मुझे कहा कि ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स तो आपको धूप मिलेंगे ही नहीं, तो इस रीज़न से यहाँ पे विटामिन डी की कमी की काफ़ी शिकायत होती है जो हमें लेनी होती है यहाँ पर विटामिन डी की। एंड एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि विटामिन डी के कमी से भी बहुत चीज़ आपको फेस करने पड़ जाते हैं, एंड इसीलिए मैंने एक वीडियो भी बना रखा है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ विटामिन डी। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, साथ साथ मुझे आयरन की भी कमी निकली है, कुछ कैल्शियम की भी निकली है, जिस कारण से मैंने डॉक्टर को कहा कि शायद हो सकता है कि मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही हो। एंड एक ये भी रीज़न आप देखोगे कि जब आप में वो सब चीज़ की जब कमी हो जाती है,
जब आपको मीन्स आयरन लेवल आप में कम हो जाती है या फिर आप कह लो होमोग्लोबिन कम हो जाती है, तो आपके शरीर में मीन्स थकावट, एक लेजीनेस, एक फैटिग्यू, जो थका थका शरीर एक लगता है, वो आपको काफ़ी दिखेगा आपको। ये तो सबसे टॉप मोस्ट आपको रीज़न ये दिखेगी कि आपके शरीर में मीन्स एक जैसे एनर्जी नहीं लगती है, एक आपके बॉडी में काफ़ी थकावट सी आपको लगेगी। सेम चीज़ मुझे डॉक्टर ने कहा कि क्या आपको ऐसा फील होता है, देन मेरा रिएक्शन बिल्कुल यस होता है, मुझे सेम चीज़ इसे मुझे होती है ये सब चीज़ प्रॉब्लम। तो बस उन्होंने मुझे मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया है एंड वो मेडिसिन मुझे लेनी है, एंड इसके क्या रिजल्ट मिलते हैं वो मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। साथ ही साथ उन्होंने कुछ मुझे फूड चार्ट मुझे कुछ बताया है कि ये सब चार्ट आप अपने मीन्स ये सब फूड आप अपने डाइट में इंक्लूड करो, तो मैं कोशिश करूँगी वो सब इंक्लूड करने का, और फिर मैं रिज़ल्ट बताती हूँ कि क्या हेयर फॉल प्रॉब्लम अगर रुक जाते हैं तो ये रीज़न बिल्कुल हो सकता है कि आपके बॉडी में काफ़ी चीज़ की जब विटामिंस, आयरन, कैल्शियम या किसी और भी चीज़ की अगर कमी हो जाती है तो इसकी टोटली इफ़ेक्ट आपके हेयर पर पड़ते हैं। सो आज के वीडियो में बस यही था मुझे इन्फॉर्मेशन देना, एंड नेक्स्ट पार्ट टू में मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि क्या क्या मैंने फूड अपने डाइट में इंक्लूड किया, मेडिसिन लेने से मुझे क्या फ़र्क पड़ा, वो मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। बट जो मॉम्स अगर हेयर फॉल प्रॉब्लम्स या आफ्टर प्रेगनेंसी भी आप अगर सफ़र कर रही हैं, सो प्लीज़ आप अपने टेस्ट ज़रूर कराएं, एंड अगर कुछ उसमें कमी निकलती है, लाइक अगर आयरन में कमी निकलती है या आपके विटामिन डी की कमी निकलती है या फिर थायराइड इज ऑल्सो, या डॉक्टर ने मुझे थायराइड की भी टेस्ट कराई थी बट लकीली मुझे थायराइड मेरी मीन्स सही है, उसमें कुछ मुझे निगेटिव उसमें रिपोर्ट्स मुझे नज़र नहीं आई थी, डॉक्टर ने कहा इज़ टोटली फाइन, सब चीज़ सही है, बट वो सब चीज़ के टेस्ट उन्होंने मुझे कराया था, डायबिटीज़ की भी चेक कराई थी, बट सब चीज़ सही है, बस दो चीज़ की कमी मुझे निकली है एंड शायद हो सकती है उस रीज़न से भी हेयर फॉल हो सकते हैं। सो आप ये चीज़ ज़रूर कराएं एंड अपने में फ़र्क आप ज़रूर देखें, और जब ये सब चीज़ की कमी निकलती है तो आप अपने डाइट में आयरन की चीज़ और कैल्शियम की चीज़ आप थोड़ी सी हाई कर दो, मीन्स इंक्लूड कर दो अच्छे से लो, और फिर देखो आप में चेंजेस क्या आती है, एंड जब सब चीज़ें आपकी जब सही रहेगी और सॉरी मैं ये बात भूल गई थी बताना, और उन्होंने मुझे क्या कहा कि जब सब चीज़ की आप मेडिसिन लेने के बाद आपको रीटेस्ट करानी है, राइट, आपको रीटेस्ट करानी है, उसके बाद पता चलेगा कि क्या मेरी विटामिन डी की जो कमी थी वो अब एक लेवल में आ गई है, आयरन जो मेरी काफ़ी मीन्स हो इतिका जस्ट कूल डाउन बेबी, जो मुझे आयरन की कमी जो मुझ में आई थी वो जो मेडिसिन जो चलाएंगे मुझे आई थिंक 1 or 2 months की समथिंग है, वो जो मेडिसिन चलने का वो मुझे रीटेस्ट वापस किया जाएगा कि जो मुझ में कमी थी वो अब ठीक हुई है, और मैं फूड भी मैं इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी। सो ये सब चीज़ें करने के बाद देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है, एंड मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, और जब सब चीज़ें होंगी तो फिर हम सेकंड स्टेप में जाएंगे कि और क्या रीज़न हो सकते हैं हेयर फॉल के। एज अ वुमेन हम लोग अपने हेयर से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, एंड किसी के भी अगर हेयर फॉल अगर होते हैं तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। सो मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए, एंड जो मॉम अगर सफ़र कर रही हैं, आप होम रेमेडीज़ या किसी और चीज़ को आप छोड़ के पहले आप टेस्ट कराओ आपके बॉडी में क्या कमी है, पहले उससे आप दूर करो, फिर आप फर्दर स्टेप पे बढ़ो। सो मॉम आई होप मेरी ये ब्लॉग आज की पसंद आई होगी, सिंपल से थी, इंफॉर्मेटिव ज़रूर होगी, पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड साथ ही साथ न्यू है मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।